मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, मूवी मंजुया, मूवी सत्या बमा और मूवी भूमे रंग, ये तीनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 6 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इन तीनों ही मूवी के 6 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की हॉरर ड्रामा मूवी मंजुया के बारे में, तो दोस्तों मूवी मंजुया के टोटल बजट थे पूरे 15 करोड़। यहाँ पे कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी मंजुया ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 4 करोड़ 21 लाख रुपए। अपने दूसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 7 करोड़ 40 लाख। अपने तीसरे दिन थे संडे, तो पूरी तरह से हॉलीडे था, तो कलेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले थे। और मूवी ने अपने तीसरे दिन पे जो नेट कमाई किया था पूरे 8 करोड़ 43 लाख रुपये। अपने चौथे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 4 करोड़ 11 लाख। और अपने पांचवें दिन पे यानी कल इस मूवी ने पूरे 4 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया था। बात की जाए दोस्तों मूवी के 6ठे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी मंजुया आज अपने 6ठे दिन पे जो नेट कमाई करने लगा है पूरे 4 करोड़ का। और इसी के साथ दोस्तों मूवी मंजुया के 6 दिनों का टोटल जो नेट कलेक्शन होता है पूरे 32 करोड़ 65 लाख रुपए, जबकि इन 6 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होता है पूरे 40 करोड़ रुपए। और इन 6 दिनों में टोटल कलेक्शन आते हैं ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे 6 करोड़। यानी दोस्तों मूवी मंजुया ने अपने इन 6 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया है पूरे 46 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी मंजुया के 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो की हो चुका है पूरे 46 यानी 46 करोड़ रुपए। आपको बताना चाहूंगा इस मूवी को हिट होने के लिए ओनली 15 करोड़ की कलेक्शन चाहिए था और मूवी ने 6 दिनों में 46 करोड़ का कलेक्शन किया है। मतलब ये मूवी डबल ब्लॉकबस्टर वाला बजट अपने नाम कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें मूवी सत्या बमा के बारे में, जो कि काजल अग्रवाल मेमिस्टरर वन ऑफ द तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों मूवी सत्या बमा के कलेक्शन को देखते हुए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये मूवी हिट नहीं हो पाएंगे, इसलिए फिर भी कलेक्शन बताना हमारा काम है। जैसे कि इस मूवी के टोटल बजट थे पूरे 10 करोड़। कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों मूवी सत्या बमा ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 40 लाख रुपए। अपने दूसरे दिन पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 46 लाख। अपने तीसरे दिन पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 49 लाख। अपने चौथे दिन पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 30 लाख रुपए। और अपने पांचवें दिन पे यानी कल इस मूवी ने पूरे 28 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया था। बात की जाए दोस्तों मूवी के 6ठे दिन यानी आज की कमाई की, तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी सत्या बमा यानी ये मूवी आज जो नेट कमाई करने लगा है रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक वो तकरीबन पूरे 25 यानी 25 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी सत्या बमा के 6 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है पूरे 2 करोड़ 18 लाख रुपए, जबकि इन 6 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है पूरे 2 करोड़ 80 लाख रुपए। और इन 6 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे 70 लाख रुपए। यानी दोस्तों मूवी सत्या बमा ने अपने इन टोटल 6 दिनों में टोटल जो वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया है पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए ओनली। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी सत्या बमा के 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि हो चुका है पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। यहाँ पे बात करें दोस्तों सुपरस्टार जीत सर की बंगाली मूवी भूमे रंग के बारे में, तो दोस्तों भूमे रंग के कलेक्शन बहुत बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी भूमे रंग के टोटल बजट थे पूरे 6 करोड़। कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों कोलकाता पे बहुत बढ़िया कलेक्शन करने लगा है मूवी भूमे रंग। इस मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे जो नेट कमाई कर लिया था पूरे 58 यानी 58 लाख रुपए। अपने दूसरे दिन थे सैटरडे, मतलब हाफ हॉलीडे था, तो कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिले थे। और मूवी ने अपने दूसरे दिन पे 65 यानी 65 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया था।
तीसरे दिन थे संडे, पूरी तरह से हॉलीडे था, कलेक्शन में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले थे और मूवी ने अपने तीसरे दिन पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 67 लाख, अपने 100वें दिन पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 31 लाख और अपने 5वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने पूरे 28 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया था। बात करें दोस्तों मूवी के 6वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी बूमरैंग के कलेक्शन आज एवरेज तौर पे बहुत बढ़िया कहा जाए फिर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक मूवी बूमरैंग अपने 6वें दिन पे यानी आज जो नेट कमाई करने लगा है पूरे 24 लाख रुपये। और इसी के साथ दोस्तों मूवी बूमरैंग के 6 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होता है इंडिया बॉक्स ऑफिस पे पूरे 2,73,00,000 रुपये, जबकि इन 6 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन हो चुका है पूरे 3,20,00,000 रुपये। जबकि दोस्तों ये मूवी ओवरसीज मार्केट पे यानी इंडिया के बाहर रिलीज नहीं हुआ है, तो दोस्तों यही है मूवी बूमरैंग के 6 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन जो कि हो चुका है पूरे 3,20,00,000 रुपये। तो दोस्तों यही थे इन तीनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपसे उम्मीद है कि इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस की खबरें के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।